जेनुइन दूध कितना निकाल देगी? जेनुइन तो 18 किलो दूध दे देगी जी, खुला 18 लीटर ठंडा दूध दे देगी, खुला दूध पिलाते हैं जी। अच्छा जी, यानी कि बच्चे के समेत, आपने बताया बच्चे के समेत 15-16 लीटर दूध तैयार है, बिल्कुल बच्चे को ना छोड़ेंगे जी, 16 लीटर। तो आज की वीडियो में दोस्तों, इस जोटी की लाइव मिल्किंग वीडियो बनाई जा रही है। शुरुआत के अंदर आपको मैंने जोटी को चलाकर भी दिखाया था, साफ सुथरी एडर क्वालिटी की है, गोल्ड रिंग सिंह की है, मुर्रा ब्रीड के अंदर जोटी है। जो आज की वीडियो पूनिया डेयरी फार्म जिला श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान से बना रहे हैं जी। इस जोटी की प्रॉपर पूरी डिटेल भाई साहब से लेंगे, तो सभी भाई वीडियो को एंड तक पूरा देखें। मिल्किंग वीडियो दोस्तों दिनांक मैं आपको बता देता हूं, 4 दिसंबर सोमवार को शाम को वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। सोमवार 4 दिसंबर को शाम को 5:15 बजे ये वीडियो अपने कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जोटी को पसमाया जा रहा है, चारों थनों का आपको पसमाप भी अलग अलग वीडियो के अंदर कवर करके दिखाऊंगा, और इस जोटी की पूरी डिटेल भी इस वीडियो के अंदर भाई साहब से लेकर इस शेयर की जाएगी। तो मैं संदीप स्वामी स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो पशुपालक भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन घंटी के निशान के ऊपर जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप एक अच्छे पशुधन का चुनाव कर सकें। तो जोटी पसम चुकी है दोस्तों, पसमने के बाद में देख सकते हैं बिल्कुल टाइट पसमाव, चारों थनों का पसमाव भी देख सकते हैं, और करीब से मैं आपको कवर करके दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं और बिल्कुल नसों से उभरा हुआ अडर भी देख सकते हैं। पसमाव देखें दोस्तों, बिल्कुल टाइट पसमाव है जी। बस थोड़ा ना उधर पुल्ली के पास में कर लो धक्का मार के, और बस कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल रेडी रेट, खाली बाल्टी दिखा देना भाई साहब। तो दोस्तों ये खाली बाल्टी देख सकते हैं, सबसे पहले आगे वाले दोनों थनों की धार मारना जी। तो दोस्तों सबसे पहले आगे वाले दोनों थनों की धार देख सकते हैं, बिल्कुल गोल मोटी नरम धार है, कोई बूढ़ छिटा नहीं है, चौड़ाई भी देख सकते हैं बहुत शानदार है। पिछलों की ओर मार दो जी, और ये पीछे वाले दोनों थनों की भी धार देख सकते हैं, ये भी गोल मोटी नरम धार है, इसमें भी कोई बूढ़ छिटा नहीं है। अगाड़ी का दूध निकाल दो भाई साहब। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी श्री भाई साहब, और अपने व्यूअर्स जो YouTube चैनल देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, धन्यवाद जी। तो भाई साहब अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस शेयर कर दो जी। मेरा नाम है जी अभिनंदन किशनोई जी, और जिला श्री गंगानगर है स्टेट राजस्थान में जी, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर का फासला है अपना। मेन जो अपना श्री गंगानगर का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है, वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है जी। पूनिया डेयरी फार्म के नाम से, मेरा नाम है अभिनंदन किशनोई जी। तो कांटेक्ट नंबर भी शेयर करना जी, 77420-36019। तो ये नंबर व्यूअर्स आपको नीचे स्क्रीन पर भी मेंशन होंगे। बहुत अच्छी जोटी है दोस्तों, जो वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश मिल्किंग वीडियो इसकी बनाकर दिखा रहा हूँ। तो भाई साहब कौन से ब्यांत के अंदर है जी? ये दूसरे ब्यांत में है। दूसरे ब्यांत की जोटी, दूसरे ब्यांत में है, दूसरे ब्यांत की जोटी है, मुंह से 4 दांत है। अच्छा जी, मुंह से अभी 4 दांत है और दूसरे ब्यांत की जोटी है, बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है। कितने दिन की ब्याई हुई है? 8-9 दिन की ब्याई हुई है। और पीछे क्या है जी? कटड़ा है। पीछे कटड़ा है, तो पीछे मेल का कटड़ा है दोस्तों, 8 से 9 दिन की ब्याई हुई है। 8 से 9 दिन की ब्याई के नीचे अभी कितना दूध तैयार है वो भी आपको वीडियो के अंत में नाप कर भी दिखाया जाएगा। तो सभी भाई वीडियो को एंड तक पूरा देखें, जो भी भाई परचेज करने के इच्छुक हैं तो उनको अनुमान हो जाएगा कि अभी इस जोटी के नीचे कितना दूध रेडी है। तो सबसे पहले दोस्तों अगाड़ी का दूध आपको निकाल कर दिखाया जा रहा है, तो अगाड़ी का दूध आपको अलग अलग अगाड़ी का दिखा देना भाई साहब, दूध दिखा देना, वही वही रखो जी, वही वही
आगे आगे ये इसमें डाल लेना जी, उल्ट उल्ट करके भाई साहब। दूसरी है खाली बाल्टी, देख सकते हैं नीचे आगे करके नीचे रख लो जी, थोड़ा सा आगे कर देना भाई साहब जी। तो दोस्तों ये अगाड़ी, अगाड़ी का दूध आपको अलग से निकाल कर दिखाया गया है जी। और ये अब पिछले वाले थनों की भी सुवाई कर कर भाई साहब दिखा रहे हैं। शुरुआत में मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया है झोटी थनों में कोई भी दार पाउंस नहीं था, यानी कि दूध रोककर भी कोई वीडियो नहीं बनाई जा रही। बाकी आप खुद यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी हाथों से भी दो समय तीन समय की मिल्किंग चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी चुवाई की झोटी है भाई साहब। ये बाल्टी थोड़ा सा आपकी तरफ खींचना जी। हाँ हाँ बस सब सही है। तो ये दोनों पिछले वाले थनों की भी धार आपको निकाल कर दोस्तों वीडियो के अंदर कवर करके दिखा रहा हूं। और अंत में आपको दूध नाप कर दिखाया जाएगा। दूसरे ब्यांत की झोटी है, 8 से 9 दिन की ब्याई हुई है। धार कितनी पोली है जी, छोटा बच्चा निकाल सकता है? हाँ जी वो पता चल रहा है जी, जैसे निकाल रहे हो आप बिल्कुल नरम चुवाई की है। तो भाई जी इसके अलावा और भी कितनी भैंस है जी अभी अपने पास? 3 है जी अभी। 3 हो? वैसे 2 भैंस सेल होगी रात चलेगी। अच्छा जी, टोटल 6 भैंस है यानी? 5-6 भैंस रखते हैं अपने पास। टोटल 6 जिनमें 2 सेल आउट हो चुकी है, एक की अपने मिल्किंग वीडियो बना रहे हैं और 2 अभी बार और खड़ी है। 2 और खड़ी है, उनके नीचे 17-18 किलो दूध की भैंस है। अच्छा जी, बाकी दोस्तों नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर जो आपको मेंशन हो रहे हैं इस पर आप संपर्क कर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से उन भैंसों को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि जो भी भाई और भी परचेज करना चाहते हैं। तो भाई जी जैसे यहाँ पर विजिट करते हैं कोई भी भाई तो बाहर से भी पशु दिला दोगे? हाँ बाहर से दिला देंगे जी, किसान की घूमने की बढ़िया भैंस दिला देंगे, 2 टीम दो आगे बढ़िया तरीके से, यानी कि बाहर से परचेज करवा दोगे 2 समय की मिल्किंग चेक करवा कर। तो रहने सहने की प्रॉपर व्यवस्था मिलेगी? व्यवस्था जी अपने बढ़िया कमरा घर पे, कोई दिक्कत नहीं जी जी, यानी कि रहने सहने की खाने पीने की कोई किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी? ठीक है जी। और बाहर से दिलवाने का क्या चार्ज रहेगा जी, ब्रोकरी चार्ज? 1,000 रुपए पर एनिमल का चार्ज रहेगा बाहर से दिलवाने का, और ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया के लिए अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से भाई साहब का एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। जिला है जो श्री गंगानगर है, स्टेट है जो राजस्थान है। श्री गंगानगर जिले के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर दूर भाई साहब की डेयरी फार्म है। बाकी मेन इनका जो एड्रेस है वो सरकारी हॉस्पिटल, बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है जो श्री गंगानगर का, उसके पास में ही भाई साहब की डेयरी फार्म है। तो दूध दोस्तों लगभग मिल्किंग वीडियो कंप्लीट होने वाली है, आपको दूध अंत में नाप कर भी दिखाया जाएगा। कुछ बच्चे कुछ ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब एक हाँ डाल दो, ये बाल्टी थोड़ा सा इधर कर दो, बस बच्चा छोड़ के उसके बाद में काउंटिंग कर देना जी। तो दोस्तों थोड़ा बहुत भाई साहब बता रहे हैं कि बच्चे के लिए भी दूध छोटा गया है। हाँ जी हाँ जी, तो भाई साहब उल्ट पुल्ट कर जाके मात्रा थोड़ी कम कर और दूध नाप कर दिखा दो जी। दूध तो अभी और बढ़ेगी। हाँ जी, कम से कम 2.5 किलो और बढ़ जाएगी। अच्छा जी, और आपके अनुमान से अभी दूध इसके तैयार कितना है जी? 17 किलो दूध है जी। 16-17 किलो बिल्कुल तैयार है। 17 किलो दूध है, 16-17 लीटर की कोई भाई। इसके अलावा और भी 2 समय 3 समय की मिल्किंग चेक कर सकते हैं, सही ना? बिल्कुल जी जी, ऊपर से आधे लीटर के नाप से दूध और गिरा देना जी 1 लीटर के नाप में भरकर। हाँ ऐसे, तो दोस्तों आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 लीटर का नाप है जिससे 1 लीटर हो चुका है। 2 3 4 5 छः,
सात आधा लीटर में बन, सात लीटर मान सकते हैं, सात लीटर और सात ही मान सकते हैं, जाग और मान सकते हैं जो, यानी कि सात सात चौदह और लीटर लीटर बच्चा पीता है, खुला बच्चे को पिलाते हैं जी। अच्छा जी, यानी कि बच्चे के समेत आपने बताया, बच्चे के समेत 15-16 लीटर दूध तैयार है, बिल्कुल बच्चे को ना छोड़ेंगे जी तो 16 लीटर ही निकाल देगी जोटी। अच्छा जी, तो भाई साहब अब थोड़ा जोटी के पास में खड़े जाओ जी, अब पूरी डिटेल इसकी मेंशन कर दो, दूसरे ब्यात में कितने दिन की ब्याई बताई गई जी, आज 8-9 दिन की हुई है, 8-9 दिन की ब्याई हुई है, 9 दिन की अभी छटाव नहीं किया, 2 किलो 2.5 किलो दूध और बढ़ेगी। जेनुअन दूध कितना निकाल देगी ये? जेनुअन तो 18 किलो दूध दे देगी जी, खुला 18 लीटर ठंडा दूध दे देगी, खुला दे देगी 18 किलो, 18 लीटर में कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं, बिल्कुल 18 किलो दूध देगी। और भाई साहब इसका प्राइस लेने वाला फिक्स? फिक्स प्राइस जी लेने वाला 95,000 में घर पहुंच कर देंगे, मात्र 95,000 600 किलोमीटर। तो दोस्तों नीचे भाई साहब के स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सभी भाइयों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।